हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग मैथमेजिक एरा का क्लास 3 पढ़ते हैं, और इससे पहले कुछ हम लोग रिवीजन भी किए थे। आप लोग कुछ प्रयास तो ज़रूर किए ही होंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कुछ रिवीजन ही क्लास चल रहा था, जिसको हम लोग रिवीजन कॉर्नर के नाम से जान रहे थे। जैसे कि हम लोग देखे थे रिवीजन कॉर्नर का, हम लोग कुछ ये सब जो पार्ट है आप देख पा रहे हैं, ये सब आप कर लिए होंगे, है ना? और जिनको परेशानी हो रही है वो मेरे को कमेंट करिए और पूछिए, हम बताएंगे आपसे, है ना? क्योंकि हमें आशा है आप लोगों से। आई होप दैट यू कर चुके होंगे आप लोग, कर पा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले क्लास का ही है ना? तो इसलिए हम समझते हैं कि आपसे हो गया है। अगर किसी तरह का समस्या है या भूल गए आप, तो डरना नहीं है, हिम्मत हारना भी नहीं है। हम हमेशा आपके लिए ही बने हैं, आपको बताएंगे हम। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक ही पढ़े थे, है ना? और इसको आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे हैं, आप समझ रहे हैं सभी को अच्छी तरह से। चलिए आज हम लोग जो हैं पढ़ाई करते हैं, वो है लुकिंग बैक। ठीक है, लुकिंग बैक, पीछे की ओर देखना। ये मतलब ये भी एक तरह का रिवीजन ही है। अब मैं बताऊंगा इसको कि आपको किस तरह से ये काम करना है, आपको अपने कॉपी में करते चले जाना है, नोटबुक कॉपी में। आइए हम लोग आगे चल के देखते हैं इसको क्या क्या पूछता है क्वेश्चन, और उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे, है ना? बच्चों, आप लोग को भी मज़ा आना चाहिए। और मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तभी बनता है जब आप बनाएं और वो बने। तो आपको देखिए फर्स्ट में तो नहीं बनता है ना, तो इसे बनाने के लिए एक बार सीखना पड़ता है। जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद एक टीचर है ना। चलिए देखते हैं, लुकिंग बैक पढ़ना हमें, है ना? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड। देखिए बच्चों, ये जो नंबर देख रहे पा रहे हैं ना आप, ये सभी नंबर को हम लोग न्यूमरल्स नंबर बोलते हैं। और इसके नीचे थोड़ा सा आ जाइए आप, राइट द फॉलोइंग इन द फिगर्स की जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वर्ड नंबर। तो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको हमें न्यूमरल है, और न्यूमरल्स को हमें वर्ड में लिखना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे, 480 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपने पीछे से भी सीखा है, कैसे जानेंगे कि ये 400 है, 4000 क्यों नहीं है? तो बात को समझिए आप। देखिए, वंस राइट टू लेफ्ट की ओर चलना है, ठीक है? वंस टेंस हंड्रेड, समझ पा रहे हैं आप? देखिए ध्यान से देखिएगा, वंस टेंस हंड्रेड। वंस के प्लेस में 0 है, टेंस के प्लेस में 8, और हंड्रेड के प्लेस में 4। तो हंड्रेड के प्लेस में 4 है, इसलिए इसका नाम 400 हो गया। क्लियर है? 400, और ये टू डिजिट को मिला के पढ़िएगा तो 80, तो 480। तो अब इसको हम इस वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको लिखना है 480। ऐसे 480 लिख के डैश लगाइएगा और इस तरह से आंसर लिखिएगा, ठीक है ना बच्चों? चलिए हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना लिखा है, तो नहीं पता आपको ना, बिल्कुल पता नहीं है। चलिए पता है तो अच्छी बात है, आप समझिएगा। इसे भी चेक करिए पहले आप, वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड के प्लेस में कितना है बच्चों? 500, और टू डिजिट को मैंने कहा था साथ में पढ़िए तो 19 है, तो 519। बच्चों आप कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 590 को डैश लगाएंगे, और इस तरह का फिगर वाला जो है आप वर्ड में लिखेंगे 519। चलिए, ये तो 3 डिजिट का नंबर था। यहाँ पे देखिए बहुत सारा 3 डिजिट का ही नंबर है, इसलिए आप 3 डिजिट का नंबर को समझ पा रहे होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे और, ठीक है? यहाँ देखिए 4 डिजिट का नंबर है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड के प्लेस में 1 है, तो 1000, और बाकी सब में तो 0 है, तो केवल आंसर क्या हो जाएगा? 1000। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? चलिए आप इस तरह से सभी को करने का प्रयास करिए, और जब नहीं हो पाएगा तो मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मुझे समझ में नहीं आया है, फिर से बताया जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जैसे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा है राइट राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। बच्चों
जिस तरह से आप ऊपर में लिखे थे, देखिए 578। अब बच्चों इसको समझिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है, 500, 100 के प्लेस में 5 हो गया और 78 लिखा है ना, तो 78 आप लिख दीजिए, ऐसे। समझ गए ना, ये हो गया आपका 578। बच्चों सेकंड में आइए, 890। तो इसी तरह से 800 के प्लेस में 8 लिखिएगा और 9090, तो यहाँ पे लिखिएगा 890। यहाँ पे देखिए 902, तो 900 तो लिखेंगे यहाँ पे, है ना। देखिए बच्चों यहाँ पे 900 की जगह में 9 और 2 केवल है, तो टेंस के प्लेस में कुछ नहीं है, यहाँ पे 2। आप ऐसे सीख जाएंगे और इस तरह से आप सभी को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 1000 है, तो 1000 के प्लेस में आप 1 लिखिए और बाकी प्लेस में तो कुछ नहीं है, तो 0 0 आप लिखेंगे। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, तो 100 प्लस 0 है, टेंस प्लस 0 है, वंस प्लस 0 है, केवल 1000। क्यों? क्योंकि 1000 है इसलिए 1000। इस तरह से आपको लिखना है। आई होप दैट यू यू विल लर्न हाउ टू राइट इट। नाउ लेट अस गो फॉर अगेन क्लास, क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से दैट, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप इस पैटर्न को समझिए और उसी पैटर्न को आगे भर के कंप्लीट करना है, ठीक है ना। पैटर्न कैसे है बच्चों, तो पैस कैसे पता करेंगे कि पैटर्न कैसे हैं, तो देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन आता है ना बच्चों, तो 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स इसके दोनों के बीच में गैपिंग कितना मिल रहा है मुझे, 3। तो जब 3 मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 का गैपिंग सब में है तो हम यहाँ पे 3 ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए 30 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 33 में फिर 3 ऐड करेंगे, 36 हो जाएगा, और 36 में फिर 3 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। बच्चों आप समझ पा रहे होंगे ना कि यहाँ पे का पैटर्न आपको पकड़ में आया था कि 3 का है। ज़रूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में 3 का ही पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न है, बस आपको पैटर्न को समझना है। जैसे चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, 16 है यहाँ, 18 है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा था कि आपको सेकेंड नंबर्स को फर्स्ट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो ये दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 2 का है, तो 18 है, 18 में 2 ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा। बात समझ गए आप, समझ गए ना। देखिए 20, फिर 20 में 2 ऐड किएंगे तो 22, 22 में फिर ऐड कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों, चलिए बोलिए, गुड, मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए 24, और 24 से फिर 26, 28, समझ में आया बच्चों, आप समझ गए होंगे ना। चलिए बाकी आप दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे और इस तरह से इसको चेक करेंगे पहले, फिर जितना का गैपिंग का पैटर्न मिलेगा आप उसी तरह से भर के इसको क्या करिएगा, पूरी तरह से कंप्लीट करिएगा, है ना। आगे बढ़े हम, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा, मैं बताऊंगा जरूर, आपको कमेंट में लिखने आना चाहिए। हाय सर, हेलो सर, आप इतना तो कम से कम लिख ही सकते हैं, मेरे चैनल्स को लाइक कर सकते हैं आप। जब लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, कमेंट करेंगे तो मुझे ये भी लगेगा कि हाँ सीख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग बाय थ्रीज, राइट नंबर न्यूमरल्स फ्रॉम 312 to 324। अब देखिए आपको इसमें बढ़ाना है, कितना का काउंटिंग बोला है, 3 का, तो देखिए 12 है ना, 12 में 3 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 315, यहाँ पे कितना भरेंगे, 315, समझ में आ रहा है बच्चों, 315, ठीक है। अब फिर 3 ऐड करेंगे तो 315 में ऐड करेंगे, 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 18, और फिर 3 ऐड करेंगे तो 312,
21। समझ में आ गया बच्चों? तो आप समझेंगे यहाँ पे मैं 3 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे 3 काउंटिंग दिया है। देखिए काउंटिंग 3 करना है, अगर काउंटिंग 5 दिया है तो 710 के बाद 5 ऐड करेंगे, जितना होगा 715। 5 आप ऐड करिए, इस तरह से भरिए। यहाँ पे 10 काउंटिंग करना है तो 117 में 10 ऐड करेंगे तो 127, 137, 147। यहाँ पे 100 काउंटिंग करना है, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, राइट द नंबर्स नेम, तो 421 यहाँ हो जाएगा, 521, 621, 721 और 821 तो है। बच्चों आप समझ रहे हैं ना, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हमें आशा है कि आप लोग सीख रहे होंगे। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, टू डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, देखिए वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 होता है, अब टू डिजिट पूछा है तो टू डिजिट तो ऐसे हुआ है ना, 99। समझ में आ गया, 99। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जब भी बोले तो 1 और 0, ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 3 डिजिट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फिर से थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ था। आगे देखिए किस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा। तो देखिए 3 डिजिट है तो पहले तो हम 3 डिजिट लिखेंगे, अगर ग्रेटेस्ट जब भी पूछ ले और जितना डिजिट पूछ ले उतना बार लिखना है। देखिए 1 2 3, 3 डिजिट पूछा था ना, मैंने 3 बार 99 लिखा है। 2 डिजिट पूछा था ग्रेटेस्ट में तो 99 लिखा था, 3 पूछा तो 999, 4 पूछ लेता तो 9999, 5 पूछ लेता तो 5 टाइम 9 लिखते। बच्चों अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो, चलिए देखते हैं एक मिला है ऐसा क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। अब 3 डिजिट्स का है तो देखिए 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3 डिजिट है ना, तो देख लीजिए 1 2 3, 3 डिजिट हो गया 100। समझ में आ गया बच्चों? 4 डिजिट पूछता तो 1 0 और बढ़ जाता, 2 डिजिट पूछता तो, देखिए 2 डिजिट पूछा था ना, पहले बनाए हैं। चलिए ठीक है, राइट ऑल द 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। देखिए 3 डिजिट से हमको हर नंबर को बनाना है, 5 7 9 दिया है, ईच ओनली वंस, जो भी बनेगा वो एक बार बनाना है। तो देखिए पहला नंबर मान लीजिए 5 7 9, एक डिजिट एक तो ऐसे बनेगा, दूसरा 7 5 9 ऐसे बनेगा, फिर एक बार 9 7 5 ऐसे बनेगा, और 9 5 7 ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं ना, फिर और कैसे बनेगा, 5 9 7 बना है कहीं, देख लीजिए, नहीं ना, तो 5 9 7 ऐसे बनेगा, और कुछ बनेगा, बनेगा कोशिश करिए, आप देखिएगा एक और बना है 7 5 9। आप इस तरह से आप और ट्राई करिए, देखिए एक बार में जो नंबर लिखा है उसको रिपीट नहीं करना है, इस तरह से मुझे बनाना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, राइट ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट 183 ईच। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो आपको बता दें कि ग्रेटेस्ट नंबर में ग्रेटेस्ट वाला जो नंबर होगा वो फर्स्ट में लिखना है, उसके बाद उससे नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख करके नंबर को ग्रेटेस्ट बना देना है। समझ में आ गया? स्मॉलेस्ट नंबर, जब स्मॉलेस्ट नंबर बोले और अगर 0 रहे तो 0 का हमेशा में लिखिएगा, पहले 0 से जो बड़ा होगा उसको लिखना है, तो 0 से जस्ट बड़ा 5 है यहाँ पे दिया हुआ, फिर 0 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे विच इज ग्रेटर, बच्चों बताओ ग्रेटर कौन, तो चेक कैसे करोगे समझना, जरा समझना। देखो पहले बड़ा प्लेस को चूज करेंगे कि देखिए यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, अब दोनों में 3 डिजिट का है तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि पहला डिजिट यहाँ 7 है, दूसरा डिजिट यहाँ पे इसका 9 है, दैट मीन्स कि इसका फर्स्ट में 7 है, इसका फर्स्ट में 9 है। सिंपली रूप से हम यहीं पे 3 डिजिट का कंपेयर था
तो हम कंपेयर कर लिए कि 100 का प्लेस इसके पास, 100 का प्लेस इसके पास, दोनों 100 के प्लेस में देखिएगा कि इसका 100 का प्लेस का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 963 होगा। समझ गए आप? चलिए स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लिया, तो चलिए देखते हैं, इसके पास भी 3 डिजिट्स है, 1s 10s 100, 1s 10s 100 है ना। तो यहाँ पे देखिए 100 में 9, यहाँ पे भी 100 में 9, इसका मतलब 100 प्लेस तो बराबर हो गया। टेंथ प्लेस में आइए, इसके टेंथ प्लेस में 5, इसके टेंथ प्लेस में 5, ये भी बराबर है। आइए वंस प्लेस में, यहाँ पे वंस प्लेस में 4, यहाँ पे वंस प्लेस में 9, दैट मीन्स ये नंबर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमें तो पूछा कौन सा है, स्मॉलर, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, 9 5 4। समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं ना? चलिए और आगे कुछ सीखते हैं हम लोग। राइट द नंबर्स बिटवीन 456 एंड 465। राइट द नंबर्स बिटवीन 456 एंड 465। चिल्ड्रेंस आप समझदार हो रहे हैं, इनके बीच का नंबर लिखना है, मतलब 6 है तब कौन आएगा, 7, दैट मीन्स 457। समझ में आया? कॉमा, उसके बाद 400 कौन आएगा, 58। कहाँ तक लिखेंगे बच्चों, कहाँ तक लिखेंगे, 64 तक लिखेंगे, क्योंकि 65 दिया है तो 64 तक लिखेंगे आप इस तरह से, ठीक है ना। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लिखिए अपने से, है ना। कितना हो जाएगा, 60 461 462, और एक आप लिखिए 463 64, बस ये आंसर होगा। समझ गए ना आप इतना? आइए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक समझदारी की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यूज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इन द ब्लैंक्स टू द मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। बच्चों मैंने अभी यहाँ पे कंपेयरिंग सिखाया रहा था, यहाँ पे आइए इसको पुट आउट करना है एज अ कंपेयर करके। चलिए समझदारी दिखाते हैं हम लोग फिर से। चलिए यहाँ पे 1s 10s 100 1s 10s 100, मतलब इस तीनों के, दोनों के पास 100 100 प्लेस वाला, मतलब 3 डिजिट वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या बताए थे, कंपेयर जब भी करना पड़े तो बड़े नंबरों, बड़े डिजिट वाले को ध्यान, प्लेस को देखिए, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, 100 और 100 के प्लेस के पास 9, दैट मीन्स इक्वल। आगे बढ़िए, टेंथ प्लेस के पास 9, इसके पास 6, तो 9 और 6 कौन बड़ा है बच्चों, 9 बड़ा है ना, तो हम जिधर बड़ा होता है उधर इसका मुंह खोल देते हैं, इसका नाम हो गया ग्रेटर देन, ठीक है। 990 ग्रेटर देन 969, कैसे बोलेंगे ध्यान से समझिएगा, 990 ग्रेटर देन 969, समझ रहे हैं ना। एक एग्जांपल और करते हैं, यहाँ पे आइए, 100 प्लेस इसके पास, 1s 10s 100, 1s 10s 100, 100 प्लेस यहाँ है, 100 प्लेस यहाँ है, दोनों के पास 1 यानी कि इक्वल है, तब नीचे बढ़ेंगे, 0, टेंस के प्लेस में 0, टेंस के प्लस में 1, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर है 1, सो ये बड़ा हो गया। बड़े के साइड हम मुंह खोल देते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, 100 less than 110। समझ गए? अब इस तरह से आपको बनाना है सभी क्वेश्चन को, अपने कॉपी में प्रयास करिए, है ना। नाउ नेक्स्ट 19, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटे से बड़े की ओर जाना है, ठीक है, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे की ओर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर को ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैंने अभी तुरंत कहा है कि छोटे से बड़े को जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग देखिए, सबसे छोटा यहाँ कौन है बच्चा, कौन है आप लोग जानते हैं ना, सबसे छोटा कौन है, कैसे सर्च करेंगे। देखिए 2 डिजिट वाला नंबर 2 है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन हुआ, ये 38, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। देखिए मैं ये किसके नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी में लिखेंगे, 38 हो गया, उसके बाद 92,
ठीक है, दो डिजिट वाला काम खत्म। अब आइए थ्री डिजिट वाला, यहाँ पे थ्री डिजिट है, यहाँ पे थ्री डिजिट है, यहाँ पे थ्री डिजिट है, यहाँ पे भी है। तो थ्री डिजिट में सबसे छोटा देखिए यहाँ पे वन है, तो वन वाला को लिख लीजिए 196। इसके बाद कौन है, 200 वाला, 268। उसके बाद कौन है, 617। उसके बाद कौन है, 863। समझ गए, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया है, छोटे से बड़े को देखिए हम कैसे सर्च किए और कैसे लिखे, है ना। तो इस तरह से आप लिखेंगे, सभी को बनाइए अपने कॉपी में, है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कलर डिजिट कौन है बच्चे, देखिए हम लोग जानते हैं ना दोस्तों, 597, तो 9 मेरा कलर डिजिट है, वंस टेंस दैट मीन्स आंसर इज 9090, 10 प्लेस में है, प्लेस वैल्यू कितना है उसका, 90 का प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे देखिए वंस में ही 2 है, दैट मीन्स केवल 2 वंस का प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे 100 का है 3 और 110 मतलब 2 का 0, समझ में आ गया। यहाँ पे 1 है 3, 1 को हमको चेक करना है, 1 और इसके बाद में कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 लगा देंगे, दैट मीन्स 100 प्लेस का वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 6 लिख लिए और इसके बाद लास्ट तरफ कितने डिजिट है, 1, 1 0 लगा दिए, दैट मीन्स 10th में है 60। यहाँ पे आइए 800, 8 और 0 0, बच्चों 2 हम आपके लिए छोड़े हैं, इसको आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। आगे हम और बताएं आपको, मुझे तो आशा है कि आप लोग खुद जानते भी हैं, कुछ बहुत तो सीखे हैं पहले से भी, फिर भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, वंस टेंस हंड्रेड, इसलिए वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस के प्लेस में 7, यहाँ पे 4, और मैंने बताया था ना कि 4 के बाद जितना डिजिट उतना 0, 1 डिजिट 1 0, 6 और 6 के बाद कितना डिजिट, 2, तो 2 0, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसको, फैलाने वाला फॉर्म। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक और कर देते हैं आपके लिए, वंस के प्लेस में 3, 0 के प्लेस में 0 है इसलिए 00, और 9 के प्लेस में 9, और यहाँ पे 2 डिजिट है तो 20, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5, वंस के तरफ से भरना है ना बच्चों, 4, और देखिए 4 के बाद कितना डिजिट है, 1, तो 10, क्योंकि टेंस प्लेस है, ये टेंस है ना, वंस टेंस। फिर यहाँ पे 5 और कितने डिजिट, 2, 5 के बाद 2, तो 20। अब इसको चेक कर लेते हैं, वंस टेंस हंड्रेड, समझ में आया। अब ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप बनाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे ना, अच्छा है ना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या लिखना है, राइट इन दी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म लिखना है, अभी इससे पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़े हैं, अब इसी को शॉर्ट फॉर्म करना है। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा बच्चों, चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे वंस के प्लेस में 6 है तो 6 लिखेंगे, टेंस के प्लेस में, वंस तो लिख लिए ना आप, टेंस को चेक करेंगे, टेंस के प्लेस में 4 और 100 के प्लेस में 4। समझ में आ गया, आया ना समझ में, नहीं आया, चलिए देखिए भाई, वंस टेंस हंड्रेड ऐसे होता है ना, तो पहले वंस लिख लिए तो इसका वंस को काउंटिंग नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे वंस टेंस को काउंटिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो देखिए वंस के प्लेस में तो वंस लिख लिए, टेंस के प्लेस में वंस टेंस, टेंस के प्लेस को केवल लिखेंगे 4 लिख दिए। यहाँ पे देखिए वंस टेंस, तो वंस और टेंस तो लिख चुके हैं इसलिए इसको दोनों को काउंट नहीं करेंगे, 104, तो 4 लिख लिए। चलिए क्वेश्चन और बताते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे वंस के प्लेस में कितना है, चलिए बताइए 4 है ना, और टेंस के प्लेस में देखिए यहाँ पे दिया ही नहीं, वंस दिया है। अगर वंस के प्लेस और टेंस के प्लेस में 0 लगा हुआ है तो आप 0 लगा दीजिए, इतना समझदार बनना होगा। फिर यहाँ पे वंस और टेंस तो लिख लिए हैं, वंस और टेंस, तब तो अब यहाँ पे वंस टेंस का हमको कोई मतलब नहीं है, किससे मतलब रखना है, 100, 100 के प्लेस में कौन है, 5, तो यहाँ पे आप 5
फाइव लिखेंगे। समझ में है? आया समझ में? चलिए गुड, आप लोग समझदार हो रहे हैं लगता है। यहाँ पे देखिए वंस, तो वंस के प्लेस में मैंने पहले बताया पीछे से लिखना है, वंस के प्लेस में सेवन। अब वंस का प्लेस क्लियर है, हमें देखना है टेंस का प्लेस, टेंस का प्लेस में सिक्स, तो यहाँ सिक्स लिखेंगे। ठीक है, अब टेंस का प्लेस हो गया तो वंस और टेंस को नहीं काउंट करेंगे, हंड्रेड में आइए, हंड्रेड में कितना है सिक्स, तो यहाँ पे फिर से सिक्स लिखेंगे, 667। चलिए अब बाकी का काम आप तीन काम खुद करके दिखाएंगे मुझे, है ना? कमेंट में आप लिखेंगे कि हाँ सर हम कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे वो मुझे पूछेंगे कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, मुझे किसी तरह का वीडियोज़ में सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एक नए हैं इसमें। आप मुझे बताएंगे कि कहाँ समस्या है, हम उसे और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 600 3 10 7 1s। देखिए बच्चों, सेवन वंस, वंस के प्लेस में सेवन, तो आप पहले से वो मैंने बताया है कि वंस का प्लेस को पहले लिखिए। टेंस के प्लेस में कौन है, थ्री है, गुड, थ्री लिखिए। हंड्रेड के प्लेस में कौन है, सिक्स, तो आप सिक्स लिखिए। देखिए हो गया ना 637, 637। यहाँ पे कैसा होगा, वंस के प्लेस में टू, टेंस के प्लेस में जीरो, और सेवन हंड्रेड के प्लेस में है, तो 702। वंस वन क्वेश्चन मैं लेफ्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए, आप उसको बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बनाते हैं बच्चों, फिर आप लोग को अच्छे लगेंगे, कमेंट आएंगे तो मैं इसके आगे फिर से रिपीट आगे बढ़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग इसी तरह से मुस्कुराइए और घर पे रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग मैथ बनाते रहिए रोज दिन। थैंक यू।